हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थी हो। अगर हम स्मोकिंग को छोड़ना चाहें या हम टोबैको को क्विट करना चाहें तो क्या तरीके हैं उसके? सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो है वो मेरे हिसाब से तो ये है कि बिकॉज स्मोकिंग हैज गॉट अ इंपॉर्टेंट इफेक्ट अपॉन आवर माइंड, सो आवर माइंड हैज टू कंट्रोल इट। सो सेल्फ कंट्रोल या आपका डिटर्मिनेशन आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप खुद ही इसको नहीं छोड़ना चाहेंगे तो चाहे कितने भी डॉक्टर बोलें, कितने भी एडवर्टाइजमेंट आए, शायद आप ना छोड़ें। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये इतना मुश्किल नहीं है। तो पहले हमें एक डिटर्मिनेशन लेना है, उसके बाद दो तीन तरह के प्रोडक्ट्स और हैं जो हमें इसको हेल्प करने में, क्विट करने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें एक होता है निकोटिन पैचेस या निकोटिन च्यूइंगम्स, जिसको आप देख पा रहे होंगे, आपने कभी इस्तेमाल भी किया होगा। प्रॉब्लम ये आती है कि स्टार्टिंग में इनको, च्यूइंगम को लेना वगैरह थोड़ा बोरिंग लगता है, तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में चार पाँच दिन ट्राई करते हैं फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पैचेस वगैरह लगाए जाएँ या थोड़े टाइम के लिए अगर हम पेशेंस रखें, अगर हम दो तीन हफ्ते के लिए अगर इनको लगातार ले पाएं, तो हम निकोटीन के जो प्रभाव है उसको धीरे धीरे अपनी बॉडी से हटा सकते हैं और स्मोकिंग की हैबिट को क्विट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अच्छी दवाइयां आ गई हैं अभी, जिनको आप धीरे धीरे, वो दो तीन किट्स में आते हैं, अगर उनको साथ में लेंगे, उससे होता है क्या कि आपकी बॉडी को जब निकोटीन का हम उसमें निकोटीन हटाते हैं तो हमारी बॉडी एक तरह से साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट होती है उनके ऊपर। तो हम चाहते हैं कि ऐसे गोलियों को अगर ले लें दो तीन हफ्ते के लिए, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उन टैबलेट्स के सपोर्ट के साथ में आप बिल्कुल पूरी तरह से इसे छूट सकते हैं। तो मैं तो आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, जितना जल्दी हो सके इसको छोड़िए, इस हैबिट को। ये हैबिट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान देती है। कोई और हेल्प चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमें लिख भी सकते हैं। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हेल्थी हो।